दोस्तों, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, दो प्लेट लार्ज थिन प्लेटों के बीच की, और आपको बताना है प्लेटों पे चार्ज कितना होगा। अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 लगाया है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है और फार्मूले को भी देखा है। नहीं साथ में पे आए तो चटा भी देख सकते हैं। देखो बेटा, आप बना लीजिए, आपके पास दो प्लेटें दी हैं, थिन है लार्ज है। लार्ज इस इन कंपेयर टू, ये जो इनके बीच की दूरी होती है इसके कंपेयर में जो है आपका लॉज होती है। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा कि जो ये प्लेटें हैं, एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे निगेटिव है, अपोजिट है, तभी आपको मिल भी रहा है। आप कोशिश कीजिएगा, जैसा कि क्वेश्चन 6 में हमने बताया था, फील्ड निकालना, अगर सेम होंगी तो क्या होगा बीच में, ये मैंने आपको टास्क दिया है। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आप जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 की होती है, जब दो थिन प्लेटें होती हैं, लार्ज प्लेट होती हैं जिनके बीच में कम जगह होती है। ये समझिए, ये आपकी प्लेट्स हैं और इनके बीच बहुत छोटी सी जगह है, तो जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी। क्यों होगी निकाल के दिखा है। ये सिग्मा जानते हैं किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन 1 के। ये आपको दिया गया है, बहुत सिंपल है, 1 मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया गिवन है। मैकेनिक्स जो है ज्यादा पढ़ाते हैं दिन में, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा ई इंटू ए एप्सिलॉन 0। ई आपकी 55 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखी है, एरिया आपका 1 दे रखा है, और 8.85 इंटू -12, राइट। एक लाइन हमको और मिल जाएगी। कैलकुलेटर जी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, 8.85 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा है 486.75 इंटू -12। दो घर अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एम आई राइट। यस, वो आपने कहा इसको इधर ले आइए, तो ये तो प्लस का होगा, तो यहाँ से घट के -10 कूलाम। ये आप कह सकते हैं कि जो भाई साहब चार्ज होगा 4.9, लिख लें इसको, इंटू 10 -10 कूलाम। क्लियर।